ये सुख दुख जो है हमारे पाप और पुण्य कर्मों का फल है, ये कोई देवता नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को हमने इतना प्यार किया उसने दुख दिया। तुम्हारा कर्म उस व्यक्ति की खोपड़ी में बैठेगा और तुम्हें दुख भुगाएगा या सुख भुगाएगा, तुम्हारा कर्म ही है। देखो ये अध्यात्म है, ये व्यक्ति दोष वर्णन वाला मार्ग नहीं है, इसको सिद्धांत को समझा जाता है। हमारे कर्म सही है तो कहीं भी चले जाओ तुम्हें सब जगह आदर मिलेगा, सब जगह प्यार मिलेगा। और जहां आपका कर्म बिगड़ गया, जरा सा ऐसे लगा वो आदमी थप्पड़ मारा, गाली दिया, ऐसा कर्म, जरा सी बात में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाना, कष्ट, इसका मतलब वो पहले से रचा हुआ है। हम नहीं चाहते, वो नहीं चाहते, हम उसको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानता, कर्म ने आया और ऐसा रच दिया। हम लोग जो सोचते ना कि देखो उस व्यक्ति ने मुझे जीवन भर दुख दिया है, मेरे कर्म ने जीवन भर उससे दुख दिलवाया, मेरे कर्म ने, तो उसको बेचारे को क्या दोष, हमारा कर्म है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते, देखो संतों के पास जाने का मतलब होता है कि कुछ न कुछ आपकी आस्तिकता है, भगवान पर विश्वास है, तो इसलिए हम कहते हैं प्रभु का आश्रय और नाम।